अरे अरे, बाइक का आवाज़ आ रहा है। आ गई अपनी बाइक, आ गई। अरे भाई, फाइनली आ गया। हो सॉरी सॉरी सॉरी, गया काम क्या? हाँ, फाइनली आ गया भाई। हो गया गाड़ी का काम? हो गया, हो गया, हो गया। मैं कब से रुका हूँ? मैं बोला आधे घंटे से बैठा हूँ। नहीं उसका नहीं, मैं बोला कि यार अभी बोल रहा 5 मिनट में आऊँगा, 5 मिनट में आऊँगा। इसका लाइनर गया था, लाइनर बदली करके लेके आया और बैटरी भी डीम हो गया था, वो चार्ज करके लेके आया और मेन अपना फॉगलाइट चालू हो गया। अच्छा चल, लाइनर वाइनर का काम हो गया? लाइनर का तो हो गया। और फॉग लैम्प्स अपने बनते, उसका क्या क्या बोल? क्या बात है, छकास। चलो तो फॉग लैम्प्स भी अपने लग के रेडी हो गए हैं, परफेक्ट। एक्चुअली गाइस, ये अपने जो फॉग लैम्प्स हैं वो गए हुए थे गाड़ी के, तो कभी नाइट राइड हो जाती है। हाँ वो वाला, उसका तो डीम हो गया पूरा। ये शायद हम लोग अभी नेक्स्ट राइड से पहले ये चेंज कर लेंगे, नया ही लगा देंगे वहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो एक्चुअली गाड़ी तो रेडी हो गई अपनी, वी आर रेडी फॉर टुमारोज राइड, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं एक नए जर्नी के लिए। तो गाइज, वी आर ऑल सेट फॉर टुमारोज राइड। बाइक में जो भी छोटे मोटे मैकेनिकल डिफेक्ट थे वो सारे क्लियर करके भाई बाइक एकदम टकाटक कंडीशन में बना के लेके आया है, ताकि हमारे नेक्स्ट यानी कि कल के राइड के दौरान हमें कोई दिक्कत ना हो। तो कल हम कहाँ जाने वाले हैं ये आपको राइड के दौरान ही बताएंगे, क्योंकि अभी बजे है रात के 11 और हमें भाई सोना नहीं है। कितने बजे तक? तो भाई वही मैं अभी बताने जा रहा है इनको कि अभी रात के 11 बजे है और हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो हम आपको मिलते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे, जो भी अपना टाइम बनेगा उस हिसाब से मिलते हैं। नींद पूरी हो जाएगी तो? नहीं नहीं फिर भी थोड़ा इसके इसमें ही निकलना पड़ेगा अपने को, ट्रैफिक वैफिक को ध्यान देखते हुए एक सुबह 5:30 6 तक निकलने की कोशिश करेंगे। कल जल्दी सुबह मिलेंगे और उसी दौरान हम आपको बताएंगे अपनी राइड के बारे में, कल कहाँ जा रहे हैं, आगे का अपना प्लान क्या है। तो फिलहाल जाते हैं सोने के लिए और मिलते हैं कल सुबह। कितने बजे? वो सुबह यहाँ पे आने वाला? हाँ मैं आऊँगा, मैं बिल्डिंग में आऊँगा और यहीं से हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सी यू टुमारो मॉर्निंग। हेलो गाइस, मॉर्निंग। तो अपनी बाइक हो गई है रेडी, हमारा भी ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया। अपना जो टाइम था वो टाइम से हम लोग एक पकड़ लो 15-20 मिनट या आधा घंटा हम लोग पीछे चल गए। हम लोग ने सोचा था कि 5:30 बजे तक निकलेंगे, अभी सुबह के 6 बजे है, लेकिन अपना सब कुछ काम हो गया है, बाइक फुल लोडेड है, हम लोग के भी गियर्स ऑन है। फटाफट बैठेंगे बाइक पे और शुरू करेंगे आज की राइड, लेकिन उससे पहले आपको एक बार बाइक दिखा देता हूँ। चलो निकलते हैं। बोला गड़बड़ी बप्पा। चलो we
थोड़ा ब्रेक अभी लगा रहे थे अपना मोबाइल लगा रहे थे अभी आ गया खाना भी आ गया खाना से खाना एक्चुअली अभी हम लोग पहुँच गए थे खाना के अभी तक हम लोग ने लेकिन मजा नहीं है व्यूअर्स को कि अपना लोकेशन क्या हो रहा है क्या करते हैं अभी यहाँ पे बताते हैं कि चलते चलते बता देते हैं बता दो अभी अभी भी खाना तक हम लोग आ गए क्योंकि भाई हम लोग आज जा रहे हैं पारवी डैम जो आता है बदलापुर में तो भाई जैसे अभी भाई ने बताया अपना आज का डेस्टिनेशन होने वाला है पारवी डैम तो पारवी डैम का लोकेशन भाई नेविगेट कर रहा था मिले क्या किलोमीटर ना सही है देखो 52 किलोमीटर की जर्नी और आगे कंटिन्यू करनी है तो शुरू करते हैं और बाकी आपके और भी नहीं करेंगे शिवाजी महाराज ने तो बहुत पहले में आगे शिवाजी महाराज तो गाइस फ़िलहाल हम लोग हैं अहमदनगर कल्याण हाईवे पे यहाँ से अपना जो डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट कुछ 18-20 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है हमें एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए थॉट लेना था लेकिन इस रोड पे कहीं कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा अब आगे चल के हम देखते हैं अगर कुछ रेस्टोरेंट कोई ढाबा या फिर कोई चाय की टपरी भी अगर मिली तो एक थॉट लेने की कोशिश करेंगे और फिर आगे जाएंगे अगर नहीं तो फिर डैम के वहाँ जाके हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली कुछ सकने को मिलेगा खाने के लिए लेट्स सी हाउ इट गोस फिलहाल अपना बैटरी चेंज करने का काम चल रहा है अपने एक्शन कैमरे की बैटरी हो गई थी ख़त्म तो भाई अभी चेंज कर रहा है बैटरी और बैटरी डाल के हम अपने आगे की जर्नी शुरू करेंगे तब तक थोड़ा आपको मैं सराउंडिंग दिखा देता हूँ लुक एट दिस लोकेशन यहाँ से हम लोग कितना अभी किलोमीटर रहेंगे 7 किलोमीटर दिखा रहा था ना मैप पे अभी प्रॉपर ऐसा गाँव वाव टाइप फीलिंग आ रही है यहाँ पे अच्छा रोड है इसीलिए बैटरी चेंज करने बहुत ज़रूरी थी चलो देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी जैसे कुछ जगह मिलती है एक हॉल्ट लेंगे फिर बात करते हैं वाटर है वो यहाँ से उतरता है नीचे ज़्यादातर मानसून में पब्लिक यहीं पे आती है पार्टी करने के लिए अपनी मौज मस्ती करने के लिए गाइज आपने हमारे पीछे जो देखा वो है बारहवीं का डैम जहाँ से मानसून के टाइम पे डोर्स ओपन होते हैं और पानी नीचे गिरता है लेकिन ये हमारा स्पॉट नहीं है यहाँ पे बारहवीं में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने जैसी है तो आज के व्लॉग में हम लोग वो प्लेसेस कवर करेंगे तो भाई निकलते हैं चलो तो जाएंगे हम अपनी पहले स्पॉट की तरफ
तो मैप पे यही दिखा रहा है ये रास्ता भी इधर ख़त्म हो रहा है ऐसा लग रहा है। नीचे जाके थोड़ा सा मेरे को जाने के जाके देखना पड़ेगा जाके। मेरी आ जाओ, क्या करते हैं, सामान उतर दे ना। रहने दे इतना सामान वापस कौन उतरते बैठेगा। चलो सामान लेके जाना पड़ेगा लेकिन ये बहुत है। जगह तो है अच्छी रास्ते से तो अपना काम हुआ नहीं। अभी जाके देखते हैं अपने को गॉड पॉइंट मिलता है या क्या। ऐसे रास्ता यही पे आगे खत्म हो जाता है। मुझे भी नहीं लगता इससे आगे गाड़ी जा पाएगी। हाँ मैं तब तक आगे जाके देखते आता हूँ क्या है, रूट कहाँ जाता है। अरे यार शायद वही से होगा। वाह वाह वाह, मस्त रोड है एकदम। लेकिन आगे का रोड बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ से बाइक ले जाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कुछ बाइक को हो गया या फिर हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो दूर दूर तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ रोड आप देख लो, घना जंगल टाइप्स। मैं नीचे जाके देख के आ रहा हूँ कि कुछ है बर्ड वॉचिंग पॉइंट जैसा या फिर जहाँ से हम डैम का एक्सपीरियंस ले सके। अगर वैसा कुछ अपने को देखने मिलता है तो भाई को भी लेके आऊँगा और यह अपने नीचे उतर जाएंगे। अगर नहीं तो विल गो बैक और फिर देखते क्या करे यार। तो गाइज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है बारवी लेक, जो आता है मुरबाड़ तालुका और थाना डिस्ट्रिक्ट में, और इस प्लेस को बोलते हैं बारवी बर्ड वॉचिंग पॉइंट। अभी हम जो देख के आए
वो था बारहवीं का बर्ड वॉचिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने से पहले हम जाएंगे कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। एक चाय पीने के लिए भी हम लोग ने हॉल्ट नहीं लिया, तो पहले कुछ खाएंगे, पेट भर नाश्ता करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की जर्नी। आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जल्द ही हम मिलेंगे इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ वैद्य ब्रदर्स। सी यू गाइस। तो गाइस, अपने को एक ढाबा मिला है यहाँ पे। ऑर्डर दो, गर्मा गर्म खाना आपको सामने सामने बना के मिलेगा।